अस्सलामुअलैकुम। 14 अगस्त की एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं जी। टन टन। सो इसमें हम लोगों को ग्रीन और वाइट क्लोथ चाहिए और मैंने ग्रीन और वाइट सर्कल्स जो हैं वो कट कर लिए। मैंने ऑलमोस्ट 4-4 किए हैं, लेकिन ये पिन बनाने में हम लोगों को ऑलमोस्ट 3-3 तो यूज़ होंगे। सो अब सर्कल को इस तरह से फोल्ड करके हम एक एक ग्रीन एक वाइट, एक ग्रीन और एक वाइट के साथ हम लोग स्टिच करते जाएंगे इसको, ठीक है। ये मैं आपके सामने इसको स्टिच कर रही हूँ। सो यार आप लोग सोचते होंगे कि यार इतनी मेहनत घर पे कौन करे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो काम मेहनत करके और अपने हाथों से बनाकर उसको इस्तेमाल किया जाए ना, उसका मज़ा अपना ही होता है। सो बाज़ार से हर चीज़ रेडीमेड मिल तो जाती है, लेकिन हर साल वही डिज़ाइंस और सेम चीज़ें, हर चीज़ बिल्कुल सेम होती है, तो वो हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं। तो क्यों ना इस दफ़ा कुछ अलग करें, कुछ नया करें। मैंने अपने चैनल पर इससे पहले भी एक वीडियो जो है वो अपलोड की है, जो कि हेवन है 14 अगस्त के अकॉर्डिंग, और एक बैज की वीडियो अपलोड की थी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को और आइडियाज़ चाहिए तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड यार मैं हमेशा आप उनको एक चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ कि इन वीडियोस को बनाने में जो वीडियो मेकर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलमोस्ट एक एक घंटा, दो दो घंटा लग जाता है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करके सिर्फ 2 मिनट्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू। सो ये ऑलमोस्ट सब सर्कल्स को मैंने स्टिच करके और फिर उसका धागा खींच के मैंने एक फ्लावर बना लिया है। सो यहाँ हमें एक पर्ल चाहिए और ग्लू गन के साथ हम इसको अटैच कर देते हैं जी। ऑलमोस्ट ये हमारा जो अपर पार्ट है वो तो रेडी हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास दो तरह की पिंस थी, सो मैंने मुझे पिंक वाली सूट कर रही थी तो मैंने पिंक वाली लिया। आप लोग जिस तरह की मर्ज़ी ले सकते हैं। सो अब ग्लू गन के साथ ही मैंने इसको इसके साथ अटैच किया है और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है जी। तो एक मैंने पहले ही बना ली थी और ये हमारा सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।